राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप सभी का मांडल लेक पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग्स। जैसा कि आप रोड के कंडीशंस देख सकते हो, कितना खराब रोड अपना है। अंकलेश्वर से जब आप मांडल लेक की तरफ जाते हो, वो भी वाया वालिया चौक करके, तो जो वालिया चौकड़ी तक का जो रास्ता है वो तो इतना बेकार है कि आप पूछ भी नहीं सकते। और सामने का रास्ता जैसा कि आप देख पा रहे हो, सारे के सारे गड्ढे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई आने से पहले ना यार ये समझ लेना कि आप कोई नॉर्मल वीकेंड पे कोई नॉर्मल प्लानिंग नहीं कर रहे हो। ये पूरी का पूरा आपको ऑफ रोड का ना जो मजा मिलने वाला है, ये आपके हाईवे रोड पे आपको ऑफ रोडिंग का मजा मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा जो रोड का जो कंडीशन है वो एक्सट्रीमली पुअर है। मैं कह सकता हूँ एकदम, अगर मैं रेटिंग की बात करूँ ना यार, तो 10 में से ना ये 2 रेटिंग भी ना पाए। इस रोड की कंडीशन इतनी खराब है। अगर आइए यूपी के अजबलत के तो हर कमरिया ही साला गोरखपुर ही ले ला। ओ भैया गोरखपुर ही ले ला। कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। और ये व्यू भाई साहब, और ये जो भाई है जो डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला ये जो मोमेंट होता है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो, ये किसी भी बाइकर के लिए ना भाई एक सपना होता है, चाहे वो ऑफ रोडिंग कर रहा हो या ना कर रहा हो। लेकिन ये जो अप और डाउन वाले जो मोमेंट होते हैं ना, चाहे जो भी बाइकर हो भाई, उसका सपना होता है यहां से गुजरने का। अमेजिंग भाई, ये छोटी सी प्यारी सी नदी देखो भाई साहब आप, ये जो झरने का जो पानी निकल रहा है छोटी छोटी नदियों का, ओए ओए एंड द व्यूज आर रियली रियली अमेजिंग यार। तो भाई लोग ये अभी शूटिंग चालू हो गई है, ब्लॉग तो बाद में बनेगा, पहले से क्यों ना 2-4 फोटो ले लिया जाए। भाई तो फाइनली पहुंचने वाले हैं, केवल 1 किलोमीटर और बाकी है। और अभी से ही आप सिनेरियो देखो, मतलब यार ये जो खूबसूरत यार वादियां है ना यार, इसका कमाल ही होना। और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो रास्ते है ना, ओए ओए इसका अलग ही आनंद है यार, कसम से, मतलब मजा आ गया। मांडल लेक एक रिजर्वायर है जो कि अंकलेश्वर सिटी से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, वाया वालिया चौकड़ी। ये रहा लेक का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत व्यू है। और पूरा ग्रीनरी, पूरा का पूरा ग्रीनरी सिस्टम है। ये हमारे दोस्त यार लोग हैं, पांडे जी हमारे हैं, ठीक है। ये हमारी गाड़ी है और ये सारे जो हमारे भाई लोग हैं, सारे के सारे फोटो शूट में लगे पड़े हैं। जैसा कि आप पीछे ये विलेज देख सकते हो, ये मांडन विलेज है और उसी के नाम पर ये लेक है। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर पास में ही करजन डैम है और करजन डैम का जो रिजर्वायर है वो यही है, ठीक है। इसीलिए इसको मांडन लेक रिजर्वायर के नाम से भी जाना। भाई लोग अभी जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम क्या करेंगे, काफ़ी लोग आए पड़े हैं, तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे। फिर उसके बाद नाव से हम, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो वो आपको एक छोटा सा द्वीप जैसा दिखेगा जहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर एक्सप्लोर करके फिर आपको बताएंगे कि वहाँ का क्या नज़ारा है क्या नहीं। तो बने रहिए और जल्द दिखाते हैं आपको द्वीप का सिनेरियो। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि लोग कैसे पोज दे देकर, ये देखो आप, ये हमारे पटेल भाई साहब, ओए 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 पापा की परी बने फिर रहे हैं ये तो। और ये हमारे भाई फिल्म का मेन हीरो, कैसा लगा विवेक? एक नंबर आना चाहिए, अपना तो एक ही डायलॉग है, एक नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, रोज आना चाहिए। अब रोज कहाँ कहाँ जाएंगे, सभी जगह ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यार वाकई मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हो। आप इधर वोटिंग भी कर सकते हो, वोटिंग का चार्ज हमने पूछा तो भाई ने बोला कि 50 रुपये हैं और वो
इधर से बस एक राउंड करीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है ना वहाँ पे वो राउंड कर लाएंगे, तो वो 50 रुपये पर पर्सन लेंगे। और अगर ये बीच में जैसा आपकी आपको टापू दिख रहा होगा टापू जैसा, अगर आप वहाँ पे रुकोगे और होल्ड करोगे थोड़े टाइम के लिए, आप वहाँ पे रुकना चाहते हो, स्पेंड करना चाहते हो 1-2 घंटे, तो फिर इस हिसाब से आपको करीबन 100 रुपये पर पर्सन के आसपास वो चार्ज कर रहा है। एक बोट में करीबन 5 से 6 लोग जाएंगे, बट हमने भाई से थोड़ा सा बार्गेनिंग किया तो हमारा जो है 7 लोगों का 500 में ही काम बन गया। और फिलहाल देखते हैं कैसा अनुभव रहता है बोटिंग का। बाकी ये रहा शानदार नज़ारा। तो भाई लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, अंदर जो छोटा सा जो आप कह सकते हो एक आइलैंड की तरह बना रखा है, आइलैंड तो नहीं है, एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, और वहां बैठे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये भाई लोग हैं हमारे, फोटोग्राफी में लगे पड़े हैं, और ये हमारे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है ये बताइए आप? बहुत ही शांति वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मतलब क्या लगता है आपको? मतलब एक नंबर की जगह है ना, आप एक दिन का वक्त गुजारना चाहते हैं तो बहुत सबसे बढ़िया जगह नहीं है आवास में। विनय कैसा लग रहा है? सुकून। तो भाई आइए अपने भाई लोगों से मिलते हैं और देखते हैं क्या इनका कहना है। कैसा लग रहा है भाई? स्पीकर नहीं आएगा नया। शानदार, एक नंबर, पुराना डायलॉग, एक नंबर। तो भाई भाई लोग बड़ा ही प्यारी जगह है, ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बड़ा ही पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। अगर आप ओ भाई क्या कर रहा है, अगर आप वडोदरा जैसे लोकेशंस पे रहते हो, अगर आप अंकलेश्वर में रहते हो, अगर आप भरूच में रहते हो, तो आप इस जगह को विजिट कर सकते हो। बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा लेक व्यू है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये जो मांडन का जो लेक व्यू है एक तरीके का एक रिजर्वायर है, ठीक है। और भाई लेकिन वैली क्या बताऊँ मैं, मतलब इतनी खूबसूरत वैली, मज़ा आ गया, वो भी लेक व्यू के साथ, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नैनीताल में जो नैनी लेक है ना, सेम उसकी फीलिंग आप यहाँ बैठे बैठे भी ले सकते हो आप, अमेजिंग रियली। तो भाई पटेल, हमारे पटेल भाई यहाँ पे नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं वो म्यूज़िक आएगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसकी वजह से दूर से कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब चच्चा बताइए। चच्चा मगर मिर्जापुर वाले नहीं। चच्चा मगर मिर्जापुर वाले नहीं। कैसा रहा डॉक्टर साहब? जयपुर वाले। चच्चा जयपुर वाले। चच्चा जयपुर वाले। राजवाड़ी? हाँ राजवाड़ी भाई साहब। रजवाड़े रजवाड़े थे इनके पहले। रजवाड़े थे, अभी अभी महल वाल छोड़कर ये टापू पे बसने हुए के लिए आए हैं। कभी कभी निहारना चाहिए टापू को भी, वो भी मांडन के टापू पे। अच्छी जगह है बहुत, मतलब आज मौसम एक नंबर है, हमारे साथ है मौसम, जिसने धूप नहीं दी। हाँ रोडों ने तो परेशान किया है गुजरात की थोड़ा सा, बाकी ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ये सेफ्टी जैकेट पहन लें, ठीक है, और आइए विराजमान होइए नाव पर, चलते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और कुछ जरूर कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। राधे राधे।